स्वस्थ होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि हम 12th फिजिक्स के अंदर स्थिर वैद्युत के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस पे आधारित मैंने आवेश और आवेग उसके गुणधर्म के बारे में चर्चा की थी। तो जैसा कि अपन ने आवेश के गुणधर्म में देखा कि आवेश के मध्य एक बल कार्य करता है, यह बल आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। तो ये बल लगता कितना है, किस हद तक लगता है, कहां तक लगता है, इसकी प्रयास क्या होनी चाहिए, ये कहां तक प्रभावी है, इसके बारे में कुलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एक नियम दिया जिसे कुलाम का नियम कहते हैं और कुलाम के सम्मान में हम आवेश का मात्रक भी लेते हैं जिसे अपन कुलाम कहते हैं। तो कुलाम का नियम है आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है, मैथमेटिकली इंफॉर्मेशन देता है, गणितीय रूप से विवेचना करता है कुलाम का नियम। लेकिन कुलाम के नियम को समझने से पहले मैं आपसे बल के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, अपन बल को पढ़ते हैं। बल के बारे में ये मानते हैं पर और ऐसा होता भी है कि भाई जब भी किसी भी वस्तु में अगर आपको गति करानी है तो उसके लिए बल आवश्यक है। अब किसी भी वस्तु पर आप बल कितने तरीके से लगा सकते हो, बल किसी भी वस्तु पर हम दो तरीके से लगा सकते हैं, यानी मोटे तौर पर मैं देखूं तो किसी भी वस्तु पर बल दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक बल कहलाता है संपर्क बल और दूसरा जो बल कहलाता है वो कहलाता है क्षेत्रीय बल। तो देखिए हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन संपर्क बल और क्षेत्रीय बल इन दोनों को समझना आवश्यक है तभी अपन कुलाम के नियम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए संपर्क बल क्या होता है, संपर्क बल होता है कि हम वस्तु को संपर्क में लाएंगे, जब तक आप वस्तु के संपर्क में नहीं आओगे उसके ऊपर बल नहीं लगाओगे वस्तु में गति नहीं आएगी। जैसा मुझे नीचे से एच हाइट, नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है, एम द्रव्यमान को उठाना है और एम द्रव्यमान को उठा के ऊंचाई पे लेके जाना है तो मुझे उसको उठाना ही पड़ेगा, पिकअप करना पड़ेगा, उसके संपर्क में आना पड़ेगा। आप किसी चीज को धक्का देना चाहते हो तब आपको उसके संपर्क में आना पड़ेगा, किसी चीज को खींच रहे हो तो उसके संपर्क में आना पड़ेगा। और इस संपर्क बल की वजह से ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, बहुत सारी वस्तुओं में गति आती है। जैसे क्रिकेट की बॉल है उसके ऊपर शॉट लगाते हो तो वहां बैट और बॉल के बिटवीन क्या लगता है, संपर्क बल लगता है। हम ब्लड गन से फायर करते हैं तो फायर बुलेट के बिटवीन और उस गन के बिटवीन क्या लगता है, संपर्क बल लगता है। ठीक है, तो संपर्क बल है वो सीधा वस्तु के संपर्क में, अगर आप संपर्क में आके बल लगाते हो और वस्तु में गति आ जाए तो वो बल क्या कहलाता है, संपर्क बल। जैसे एम द्रव्यमान को अगर आप खींच रहे हो तो यहां पर क्या हुआ, ये एफ बल लग गया और यहां क्या हुआ, वस्तु के साथ संपर्क हुआ, तो ये बल क्या कहलाता है, संपर्क बल कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसको धक्का मार रहे हो इस स्थिति में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तु की वो के क्या आना पड़ेगा, संपर्क में आना पड़ेगा। तो दोनों स्थिति में अगर खींच रहे हो, पुल कर रहे हो या इसको धक्का मार रहे हो, पुश कर रहे हो, तो दोनों स्थितियों में हमें वस्तु के क्या आना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। ठीक है, तो संपर्क बल में सीधी सी बात है वस्तु के हम कॉन्टेक्ट में आए। लेकिन कुछ बल ऐसे होते हैं जो वस्तु के संपर्क में आने के आए बिना ही अपना प्रभाव दर्शाते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। हम गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें तो मान लीजिए कि पृथ्वी से एच ऊंचाई पर अगर कोई वस्तु है तो ये अपने आप गिरना प्रारंभ कर देती, जबकि यहाँ बल जो है वो पृथ्वी अपने केंद्र से लगा रही है। लेकिन इसके बल के लिए ये जरूरी नहीं कि इस एम द्रव्यमान का और पृथ्वी का आपस में संपर्क हो, यानी यहाँ संपर्क नहीं है तो फिर ये बल लग रहा किस तरह से, तब हम कहते हैं कि पृथ्वी है उसका चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे अपन कहते हैं गुरुत्वीय। ठीक है, तो इस गुरुत्वीय क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा द्रव्यमान का प्रवेश करता है तो उसके ऊपर बल लग जाता है। तो इसी तरह आवेश है उनके मध्य भी क्षेत्रीय बल कार्य करता है। अगर आवेश के ऊपर बाद में चर्चा करें तो एक और एग्जांपल देखते हैं कि एक चुंबक के पास में
मैं दूसरा चुंबक लेके आता हूँ, जैसे ये दो उत्तरी ध्रुव लिए मैंने दो चुंबक के, तो इनमें प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा, जबकि यहां पर संपर्क नहीं था, संपर्क नहीं था किसी भी तरह का, लेकिन उसके बाद में भी इन दोनों के मध्य क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता है। तो इसी प्रकार से बल अपने पास दो तरीके से परिभाषित होते हैं, एक संपर्क बल जिसमें मुझे संपर्क की आवश्यकता होती है फिर वस्तु में गति आती है, एक लगता है क्षेत्रीय बल जिसमें संपर्क की फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, भौतिक संपर्क की जरूरत नहीं होती, वस्तु में फिर भी बल लगता है, एफ काम करता है। तो इस तरह के बहुत सारे बल है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, वो किस तरह का बल लग है, वो संपर्क बल है या क्षेत्रीय बल, तो हम कहेंगे सर ये क्षेत्रीय बल है। हम कहेंगे कि चुंबकीय बल है वो किस तरह का बल है, संपर्क बल है कि क्षेत्रीय बल है, संपर्क बल है, संपर्क के बिना ही ये लग जाता है। इसी तरह दो आवेशों के मध्य भी जो बल कार्य करता है वो बल है, वो कैसा है, संपर्क बल है। यहाँ दोनों आवेशों के मध्य किसी प्रकार का भौतिक संबंध नहीं होता। तो जो गुलाब का बल है वो आवेशों के मध्य लगता है, लेकिन ये किस तरह का बल है, ये संपर्क बल है या क्षेत्रीय बल है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्षेत्रीय बल है। क्यों है क्षेत्रीय बल, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो बल है वो संपर्क की जरूरत उसे नहीं पड़ती है, बिना संपर्क के भी एक आवेश जैसे दूसरे आवेश के निकट आता है तो उसके ऊपर बल कार्य करने लग जाता है, निकट आता है, संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, निकट आते ही ये बल कार्य करने लगता है। तो कुलाम का जो नियम है वो बल के बारे में सूचना देता है अपने को, और बल भी कैसा, क्षेत्रीय बल, किनके मध्य लगने वाला क्षेत्रीय बल, आवेशों के मध्य, या आवेश किसी ऐसे क्षेत्र में रख दिया जाए जहां आवेश का पहले कोई आवेश पहले से मौजूद है, तो वो पहले से मौजूद आवेश भी उसके ऊपर किस तरह का बल लगाएंगे, क्षेत्रीय बल लगाएंगे। तो अपन अब देखते हैं कि कुलाम का नियम, तो कुलाम का नियम क्या है। कुलाम का नियम हमें जानकारी देता है क्षेत्रीय बल के बारे में जो कि दो आवेशों के मध्य कार्य करता है। अब कुलाम का नियम कौन से आवेशों के मध्य कार्य करता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि ये दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी से पृथक है। अब ये दो आवेश किस तरह के आवेश हैं, बिंदु आवेश है, ध्यान रखना यहां शब्द याद रखना है अपने को, बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश क्या होता है, ये बात भी ध्यान से सुन ले, ऐसा आवेश जो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसी भी निकाय सिस्टम में एक बिंदु पर, सिंगल पॉइंट पर स्थित हो, ठीक है, एक बिंदु पर स्थित हो, बिंदु एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं अपने, तो वो किसी भी एक पॉइंट पे एग्जिस्ट होना चाहिए, एक बिंदु पर स्थित हो। दूसरा, वो व्युत्क्रम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ये व्युत्क्रम विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसका हम आगे चर्चा करेंगे, अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है बिंदु आवेश के बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि बिंदु आवेश क्या होता है, तो आपको दो बातें बोलनी है कि भाई बिंदु आवेश वो होता है जो किसी भी स्पेस में कहीं पर भी एक बिंदु पर उपस्थित होता है, एक सिंगल कोऑर्डिनेट पे होता है, और जो किस तरह का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, व्युत्क्रम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, उसे अपन कहते हैं बिंदु आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन को सामान्यतः बिंदु आवेश माना जाता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या होती है बहुत कम होती है, जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन त्रिज्या। तो इलेक्ट्रॉन त्रिज्या से इसको नापा जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे काम के लिए, बहुत सारे पर्पज के लिए हम ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बिंदु आवेश होता है, ठीक है। तो ये बिंदु आवेश की बात होती है। तो कुलाम का नियम क्या कहता है, कुलाम का नियम इन दो बिंदु आवेशों के मध्य काम करता है। याद रखना, कुलाम के नियम की सीमाओं में भी ये बात लिखी जा सकती कि कुलाम का नियम किनके लिए मान्य है। तो आप कह सकते हो कि कुलाम का नियम है और वो किसके लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो कुलाम का नियम क्या कह रहा है, वो कुलाम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो है, इन दोनों के मध्य अगर पृथक्कन आ रहा है तो इन दोनों के मध्य बल लगेगा। बल किसी भी तरह का हो सकता है। मान लेते हैं कि ये Q1 आवेश है, ये इसके ऊपर बल लगा रहा है F1, और ये भी इसके ऊपर बल लगा रहा है F1, F2। तो
तो ये कहता है कूलॉम का नियम कि इन दोनों के मध्य जो बल लगता है इस बल का परिमाण F वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ध्यान रखना दोनों आवेश कौन से, ये इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। सामान्यतः अपन ये कहते हैं दोनों आवेशों के गुणनफल के, ऐसा ना बोल के अपन ऐसा बोले तो ज्यादा उचित रहेगा कि कूलॉम का नियम है उसके अनुसार कि दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उस बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों को पृथक करने वाली दोनों आवेशों के मध्य पृथक्करण के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये समीकरण आ जाता है दो, अगर मैं इस चिन्ह को हटाता हूं समानुपाती के तो मेरे पास एक और दो से आते हैं रिलेशन F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। जहां पर प्रोपोर्शनल का साइन मैं अगर हटाता हूं तो मेरे पास F क्या आ जाता है, F आ जाता है मेरे पास F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम है, ठीक है। तो कूलॉम का नियम हमारे को कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर ये जो है E लिख रहा है इसे एप्साइलोन बोलते हैं, एप्साइलोन, और इसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अभी विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता का मतलब यह है कि किसी भी माध्यम से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी आसानी से जा सकती है। इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए एक तंग गली है, इस तंग गली में से यातायात ज्यादा जाएगा या एक सिक्स लेन रोड से ज्यादा जाएगा, तो आपका जवाब आएगा कि सर सिक्स लेन इस रोड से ज्यादा जाएगा और इस गली से कम जाएगा, ठीक वही बात। तो यहाँ जो ट्रैफिक है उस सब उससे ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ होगा, और सब सॉरी सबसे कम यहाँ होगा। कुछ साथ कुछ वाहन यहाँ से जा पाएंगे जबकि यहाँ से ज्यादा वाहन जा पाएंगे, ये देखिए, जबकि यहाँ से वाहनों की संख्या क्या होगी कम। तो यहाँ यातायात को परमिट करने वाले कौन है, ये ज्यादा है वो, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, यातायात सीमा। ऐसे ही अलग अलग पदार्थ होते हैं उनकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, उनसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरने की भी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आसानी से जाने देते हैं या उनके जाने का गुणधर्म है वो उसकी क्या कहलाती है, विद्युतशीलता। अब विद्युतशीलता शक्ति सबसे ज्यादा होती है चालकों की, चालकों को है उनमें से चाहे जितने आवेश प्रवाहित हो सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि चालकों की विद्युतशीलता अनंत होती है। तो अपन देखते हैं ये है निर्वात की विद्युतशीलता, भी आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर मैं इसे सदिश रूप में लेना चाहूं तो F सदिश मेरे पास आ जाता है F सदिश बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। यहां इसका मूड ले लीजिए क्योंकि हम कहते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो ये इसका सदिश रूप आ जाता है मेरे पास, इकाई सदिश जो है ये आर कैप कहलाता है, इकाई सदिश, और ये हमें बताता है बल की दिशा को। ये एप्सिलॉन नॉट कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान भी दिया जाता है 8.854 10^-12 कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि ये अगर आपसे सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए पूछे तो आप इसका यूज कर सकते हो। एक और बात बताता हूं, इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन के भी बोलते हैं और इसका मान होता है 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर।
तो ये जो के है ये कहलाता है स्थिर वैद्युत की नियतांक कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत की नियतांक कहा जाता है या कूलाम नियतांक भी कहा जाता है। तो ये कूलाम का नियम था और ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म है। आगे अपन इसकी सहायता से खूब सारी बातें करेंगे। तो कूलाम के नियम को इस तरह से अपन ने एक्सप्लेन किया है, फिर से रिकॉल करना चाहूंगा। कूलाम नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। इसके अनुसार यदि दो बिंदु आवेश r दूरी से पृथक हैं तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है। इस बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर आप हटाते हो तो एक नियतांक आता है 1/4πε0 q1 q2 r2। एप्सिलॉन नॉट कहलाती है निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान होता है 8.854 × 10⁻²² कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये आता है नाइन, इसको अपन 1/4πε0 नॉट को के भी बोल सकते हैं, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास कूलम के, तो कूलम का नियम अपने को ये कहता है कि h = 1/4πε0 q1 q2 r2। अब इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। देखिए ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका मात्रक आपने देखा, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी कई बार धीमा पूछ लेता है कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता की धीमा क्या होती है। बोर्ड में ये कई बार पुटअप किया गया है क्वेश्चन कि निर्वात की विद्युतशीलता की विमा लिखिए या एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, इसकी विमा याद मत कीजिए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि हम अगर आवेश और बल की विमा निकाल लेते हैं, ऊर्जा की विमा अगर आपको याद है तो आप किसी की भी विमा निकाल सकते हो। देखो यहाँ कूलम है आवेश के लिए होते हैं और आवेश क्या होता है, धारा बटे समय, सॉरी आवेश होता है धारा गुणा समय। तो धारा के लिए अपन लेते हैं ए टू, समय के लिए लेते हैं टी टू, आ गया ये स्क्वायर। इसलिए न्यूटन है कूलम, बल के लिए होता है तो बल की विमा होती है एम वन एल वन टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल टू। तो आपके पास विमा इसकी निकल के क्या आती है, देखिए एम माइनस वन एल वन और ये टू कितना हो गया एल थ्री, तो एल माइनस थ्री और कितना हो जाएगा टी माइनस टू है तो ये हो जाएगा एम वन एल माइनस थ्री टी फोर और ए टी फोर ए टू। देखिए एक बार फिर से, आवेश है, आवेश की विमा हो जाएगी ए टू टी टू क्योंकि आवेश का स्क्वायर हो रहा है तो ये हो जाएगी ए टू टी टू। बल की विमा होती है एम वन एल वन टी माइनस टू और ये आ जाती है M2, तो अपने पास L2 आ जाती है। तो ये विमा अपने पास आ जाएगी M-1, L3 होता है नीचे, ऊपर जाएगा L-3 और ये T-2 ऊपर जाएगा प्लस 2 × 2 = 4 हो जाएंगे और ये A2। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा आपके पास कितनी आ जाती है ये ध्यान रखिएगा, M-1, L-3, T4, A2, या सीधा याद रखिए 13/42। तो 13 क्या हो गई, माइनस में याद रखना है 13/42। तो ये आपको विमाएं मिल जाती है निर्वात की विद्युतशीलता। एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कूलम के नियम पे कि कूलम का नियम है वो 1/r² का ही पालन क्यों करता है। कूलम का नियम 1/r होता तो भी घटता भी, 1/r³ होता तो भी घटता, तो फिर ये 1/r² देखो इसका ग्राफ देखूं मैं तो ये ग्राफ मेरे पास इस तरह का आता है। इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ भी घटता हुआ है और ये ग्राफ भी मेरे पास घटता हुआ ही आ रहा है। तो तीनों में से सिर्फ ये ही क्यों लिया कूलम के नियम, ये और ये दोनों क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये भी हमारे को घटता हुआ क्रम ही तो बता रहे कि दूरी बढ़ने के साथ साथ इस बल का मान घट जाएगा, इस स्थिति में भी घटेगा, इस स्थिति में भी घटेगा और इस स्थिति में भी घटेगा। तो फिर आर स्क्वायर 1/r² क्यों लिया जाता है, ये बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए हम कह रहे हैं आवेश, आवेश की ज्योमेट्री देखिए, ये आवेश आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि हर एक आवेश से कुछ विशेष रेखाएं निकलती है जिन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलते हैं।
अगर मैं इसको आवेश लेता हूं तो इस आवेश से निकलने वाली रेखाएं सभी दिशाओं में समान जाएगी, अर्थात इसकी जियोमेट्री कैसी होगी, थ्री डायमेंशनल होगी, आपको तीनों कोऑर्डिनेट में एक साथ मिलेगी। आप अगर इस आवेश से समान दूरियों पर चलते हो हर दिशा में, तो समान दूरियों पर चलते हो तो ये सारी दूरियां क्या होगी, सारी दूरियों पर इन सारे बिंदुओं को अगर आप मिलाते हो तो ये मिलाने पर ये बिंदु आपको क्या मिलेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेंगे। और एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr², तो आर स्क्वायर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल रहा है। इस वजह से अपन कह रहे हैं कि ये व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। आगे मैं इसको प्रूफ भी दूंगा कि कूलॉम का नियम है वो व्युत्क्रम नियम की पालना किस तरह से करता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आर स्क्वायर ही क्यों लिया, तो आप बोलो भाई कि आवेश की जो जियोमेट्री होती है वो चारों तरफ की अगर जियोमेट्री अपन ले तो वो वृत्ताकार होती है, गोलाकार होती है, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। इस वजह से है ये व्युत्क्रम नियम की पालना करता है। जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी ओरिजिन हैं, जिनकी जियोमेट्री 3D होती है उनका जो वो है हमेशा व्युत्क्रम नियम की पालना करेंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दिया था आपने, वो भी 1/r² की पालना कर रहा था, क्योंकि पृथ्वी है वो चारों तरफ से बल लगा रही है। अगर अपन अंतरिक्ष में जाके देखें तो पृथ्वी के सराउंडिंग में जितने भी प्लेनेट है उन सबके ऊपर बल लगता है, तो इसका मतलब उसकी जियोमेट्री कैसी होगी, गोलाकार हो गई। आगे अपन चुंबकीय बल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी विक्रम नियम की पालना करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसकी जियोमेट्री कैसी आएगी, गोलाकार आएगी। तो आर स्क्वायर इसीलिए लिया जाता है, आर नहीं लिया जाता है, आर क्यूब नहीं लिया जाता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी जियोमेट्री के साथ अगर अपन जाएंगे ठीक है तो वो जियोमेट्री अपने को स्फेरिकल मिलेगी, गोलाकार मिलेगी। इस वजह से 4πr² लिया जाता है। बात समझ में आ जाती है। तो अपन कहते हैं कि कूलॉम का नियम है वो व्युत्क्रम नियम की पालना इसलिए करता है। तो कूलॉम के नियम पे आधारित अपन थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अगर कूलॉम का नियम है, अगर ये आवेश है, ये अपन माध्यम में ले लें, निर्वात में ना लेकर, यहां तो इनके मध्य क्या है, निर्वात है। अगर मैं यहां पर माध्यम इसके अंदर ले आता हूं, किसी तरह से माध्यम इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मीडिया इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तब क्या प्रभाव आएंगे, ध्यान रखना। जब भी माध्यम आएगा कहीं पर भी, गति और बल के बारे में तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि जब भी माध्यम आ जाता है तो वो गति का विरोध करता है, बल को कम कर देता है हमेशा। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि दो आवेशों में इतना बल लग रहा है, निर्वात में माध्यम में कितना लगेगा, तो आपको एक बात तो निश्चित करनी है कि निर्वात से वो कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि माध्यम आ गया, और माध्यम हमेशा बल को, ऊर्जा को, वेग को कम करने का कार्य करता है, रिटार्ड करता है या अवरोध उत्पन्न करता है। तो माध्यम आ जाए तो ये जो बल काम कर रहा था, तो देखिए कूलॉम का नियम है निर्वात में कितना कार्य कर रहा था, ये दो आवेश थे और निर्वात में इन दोनों के मध्य पृथक्करण था R, ठीक है जी। और निर्वात की अपन ने विद्युतशीलता ले ली ε0। तो अपन ने कूलॉम के नियम को देखा निर्वात में या एयर में, एफ ए बराबर मान लेता हूं मैं आ जाता है 1/4πε0Q1Q2R², ठीक है। अब इन आवेशों को उठा के मैं किसी माध्यम में रख देता हूं, तो यही दोनों आवेश ले लिए मैंने Q1 और इनके मध्य पृथक्करण वही रखा है मैंने R, लेकिन अब एक माध्यम ले आता हूं मैं, इस माध्यम की जो विद्युतशीलता है, एक माध्यम रख दिया इन दोनों आवेशों के मध्य, पूर्ण रूप से ध्यान रखना, आंशिक रूप से नहीं है, पूर्ण रूप से मैंने माध्यम रख दिया, तो ये इस माध्यम की विद्युतशीलता ले लेता हूं मैं ε m। तो कूलॉम का नियम माध्यम में क्या बन जाएगा, Fm बन जाता है। मान लीजिए फॉर्मूला वही रहना है 1/4π, अब की बार ε0 नहीं आएगा, ε m आएगा। पहले भी
निर्वात की विद्युतशीलता ले रहे थे हम, अब किसकी ले लेंगे, माध्यम की ले लेंगे। माध्यम की क्या है, एप्सिलॉन एम, ठीक है, और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण आ जाता है दो। अब बात आती है इनके अनुपात की, किसका अनुपात ले, एफ ए अपॉन एफ एम ले या एफ एम अपॉन एफ ए ले, इन दोनों में से किसका चुनाव करें। तो मैंने कहा कि देखो निर्वात या वायु में बल ऊर्जा वेग ज्यादा होता है और माध्यम में वेग ऊर्जा बल कम हो जाता है, तो ज्यादा कौन सा हुआ, एफ ए हुआ। यानी आप कह सकते हो कि एफ ए ग्रेटर देन क्या है, एफ एम है, इसलिए हम रेशियो में क्या लेंगे, एफ ए पहले लेंगे और उसके अपॉन में लेंगे एफ एम। तो एफ ए कितना है आपके पास, एफ ए ये रहा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, एफ एम कितना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम, तो इसको मैं यहां पुट करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन एम इनटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू। तो आप देख सकते हो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाता है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है। तो FA अपॉन FM क्या रह जाता है आपके पास, FA अपॉन FM रह जाता है, यहाँ सारे कैंसिल हो रहे हैं 4 पाई R स्क्वायर, तो बचा आपके पास एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन A, ये रिलेशन आता है, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन एम है ये है उस माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन ए क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। ये जो अनुपात आया ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुपात है और इस अनुपात का एक नाम भी होता है एप्सिलॉन ए एम और एप्सिलॉन ए जो है इनका अनुपात कहलाता है एप्सिलॉन आर, जिसे कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और इसे अपन के भी बोलते हैं, माध्यम का पैरा विद्युतांक, माध्यम का पैरा विद्युतांक भी बोला जाता है। एक और नाम से जाना जाता है इसको, इस के को या एप्सिलॉन आर, यानी के बराबर एप्सिलॉन आर बराबर कहलाती है विशिष्ट विशिष्ट प्रेरकीय प्रेरकीय धारिता। तो ये ईएम अपॉन ई है, इस अनुपात को कहा जाता है एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता या माध्यम का पैरा वैद्युतांक या विशिष्ट प्रेरकीय धारिता, एसआईसी के नाम से इसको जाना जाता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी के नाम से। तो इसके तीन नाम है, एप्सिलॉन आर की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम का पैरा वैद्युतांक या विशिष्ट प्रेरकीय धारिता। तो हमने देखा कि ये जो रिलेशन बना अपने पास एफ ए अपॉन एफ एम, ये बराबर आ जाता है के डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के माध्यम के पैरा वैद्युतांक के, और इस के का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। मैं यहां पर बता देता हूं के जल के लिए होता है, के वायु के लिए आप लिख सकते हो ये एक होता है, के जल के लिए लगभग 81 होता है और के माइका के लिए ये लगभग 6 के बराबर होता है। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि जैसे ही माध्यम आ जाता है पूर्ण रूप से, तो बल है वो उस माध्यम के पैरा वैद्युतांक के अनुपात में कम हो जाता है निर्वात की तुलना में। तो माध्यम हमेशा क्या करता है, बल को कम करने का प्रयास करता है। ये तो था पूर्ण रूप से माध्यम। अगर माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से नहीं, यहाँ r बराबर इसकी चौड़ाई अगर मैं ले लेता हूँ t, तो r बराबर t है, ये t है मैंने यहाँ पर। अगर माध्यम आंशिक रूप से हो तो कूलम्ब का नियम